असम के जोरहाट से पीएम ने 17,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की दी सौगात। काइन प्रोजेक्ट से असम में विकास की गति और तेज होगी। पीएम मोदी बोले, नॉर्थ ईस्ट ने मोदी की गारंटी को पूरा होते देखा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट कह रहा है अब की बार 400 के पार। कांग्रेस पार्टी घोटाले करने में व्यस्त थी, उसने नॉर्थ ईस्ट को हमेशा इग्नोर किया है, पीएम मोदी का आरोप। जोरहाट में लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का पीएम ने किया अनावरण। असम के शिवाजी के रूप में जाने जाते हैं लाचित, मुगलों को चटाई थी। पीएम मोदी ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का किया दौरा, हाथी पर सवारी कर फोटोग्राफी की। काजीरंगा नेशनल पार्क में भ्रमण के बाद पीएम ने महिला वन रक्षकों की टीम वन दुर्गा से भी की बातचीत। पीएम मोदी का अरुणाचल का दौरा, ईटानगर से 55,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात थी। पीएम मोदी ने सेला टनल का किया उद्घाटन, 10 किलोमीटर कम हुई तवांग से चीन सीमा तक की दूरी। पीएम मोदी बोले, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन आस्था लक्ष्मी का, ट्रेड और टूरिज्म की मजबूत कड़ी बनेगा नॉर्थ ईस्ट। ईटानगर से पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा आपके बच्चे किस हाल में है इसकी परवाह इंडिया अलायंस ने ना कभी की और ना कभी करेंगे। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर कहा, आज जब ये मोदी के परिवार पर सवाल उठाते हैं तो पूरा देश कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। आजमगढ़ में कल पीएम मोदी की बड़ी रैली, सीएम योगी ने रैली स्थल पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा। गृहमंत्री अमित शाह ने पटना में पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन को किया संबोधित, कहा कांग्रेस और आरजेडी आपके बच्चों का भला नहीं कर सकते। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार की जनता पर जताया भरोसा, कहा इस बार लोकसभा की सभी 40 सीटें जीतेंगे। अमित शाह ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले नेताओं की अब खैर नहीं, कार्रवाई के लिए जल्द बनेगी कमेटी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसान महाकुंभ का आयोजन, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बोले 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। राजनाथ सिंह ने जनता से की अपील, कहा तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाए हिंदुस्तान में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को लगा झटका, सुरेश पचौरी और संजय शुक्ला बीजेपी में हुए शामिल। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले, आगे आगे राहुल गांधी जा रहे हैं और पीछे से कांग्रेस साफ हो रही है। कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है, उसके नेता पार्टी की दिशाहीन नेतृत्व से थक चुके हैं, पूर्व सीएम शिवराज का बयान। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, कांग्रेस के नेता भी समझ रहे हैं कि देश के साथ कोई न्याय कर रहा है तो वो पीएम मोदी। एमपी बीजेपी चीफ बीडी शर्मा का बयान, पीएम के नेतृत्व में सुरेश पचौरी कुछ काम करने आए हैं। बंगाल के झारग्राम में बीजेपी सांसद कुनर हेम्ब्रम ने दिया इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला। महायुति में सीट शेयरिंग पर 80% मामले सुलझे, सिर्फ 20% पर चर्चा बाकी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। बिहार में बीजेपी ने सीट शेयरिंग की कवायद तेज की, जीतनराम मांझी के बेटे संतोष से मिले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। संतोष सुमन से मुलाकात के बाद बोले नित्यानंद राय, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए के सभी सहयोगी खुश हैं। संतोष सुमन ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना, कहा उन्हें डोरे डालने दीजिए, हम जहां हैं ठीक है। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का हमला, कहा राहुल अपनी सीट या राज्य बदल सकते हैं लेकिन उनकी हार निश्चित है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, राहुल गांधी को लेकर बीजेपी क्यों चिंतित है, कांग्रेस अमेठी और रायबरेली दोनों सीट जीतेगी। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची पर बोले जयराम रमेश, हमारे उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया के तहत हुआ है, बीजेपी में सिर्फ दो लोग नाम तय करते हैं। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बीएसपी, मायावती ने किया ऐलान, कहा बीएसपी की ताकत देख विरोधी बेचैन। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की सुरक्षा कैटेगरी को किया गया अपग्रेड, अब जेड कैटेगरी की मिलेगी सुरक्षा। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने दिया नया नारा, 80 हराओ एमएसपी लाओ, कहा यूपी की जनता स्वागत और विदाई दोनों अच्छे से करती है। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हिटलर का शासन भी 10 साल से ज्यादा नहीं चला, बीजेपी के भी साल खत्म हो चुके हैं। पटना में लालू यादव के करीबी सुभाष यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड, अवैध खनन मामले में ईडी की छापेमारी। आरजेडी नेताओं के यहां छापेमारी पर बोले प्रवक्ता ऋषि मिश्रा, बीजेपी को अपने प्रवक्ता कार्यकर्ताओं पर नहीं जांच एजेंसियों पर है भरोसा। एनआईए ने रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के संदिग्ध आरोपी की तस्वीर जारी की, लोगों ने पहचान करने में मांगी मदद। वायनाड में वेटनरी यूनिवर्सिटी के छात्र की मौत का मामला, सीएम विजय ने केस को सीबीआई को सौंपा। तमिलनाडु में कई जगहों पर अवैध रेत खनन मामले में एक्शन, लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन के दामाद के ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल का बयान, 10 साल में हमने विकास का और बीजेपी ने विनाश का मॉडल अपनाया। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हिटलर ने 3 महीने में लोकतंत्र खत्म किए, इनको 10 साल लग गए। ईडी के समन पर बोले केजरीवाल, जितने समन भेजेंगे उतने नए स्कूल खोलेंगे, अभी तक 8 समन मिले हैं। दिल्ली के इंद्रलोक में पुलिस का फ्लैग मार्च, सड़क पर नमाज के दौरान वत्सलूकी की घटना के बाद अलर्ट है पुलिस। इंद्रलोक पहुंचा जमीयत उलेमा हिंद का डेलीगेशन, जामा मस्जिद के इमाम से की बातचीत। एआईएमआईएम चीफ फजलुद्दीन ओवैसी ने नमाजियों से बदसलूकी का मामला उठाया, कहा इस्लाम के खिलाफ नफरत अब आम हो गई है। ग्रेटर नोएडा में फूड पॉइजनिंग की शिकायत, आर्यन रेजिडेंसी और लॉयड हॉस्टल के 76 छात्र हुए बीमार। एमपी के मंत्रालय बिल्डिंग वल्लभ भवन में लगी भयंकर आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वल्लभ भवन में आग की घटना पर बोले सीएम मोहन यादव, ऐसी घटना दोबारा ना हो अधिकारियों को दिया आदेश। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने उठाए सवाल, पूछा देश भर में सिर्फ
एमपी के मंत्रालयों में ही बार बार आग क्यों लग रही है। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने देवेंद्र झाझड़िया, कहा पूरे समर्पण से खिलाड़ियों के लिए करूंगा काम।